हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू केएस एजुकेशनल। एसबीआई क्लर्क प्री में आपका थर्ड शिफ्ट हो गया है और अभी फोर्थ शिफ्ट भी चल रहा है, लेकिन 22nd ऑफ फेब में जो थर्ड शिफ्ट आपका देखा गया है, इस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या आपका क्वेश्चन का पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ये आपका कल भी आपको हेल्प कर देगा। और देखा जाए एसबीआई क्लर्क प्री में तो क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब आपका मॉडरेट लेवल का है, इजी टू मॉडरेट में है, बहुत टफ नहीं है और आपका अटेम्प्ट भी अच्छा जा रहा है। तो चलिए ओवरऑल देखा जाए कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश में, क्वांट में और रीजनिंग में, और कितना आपका अटेम्प्ट रहा, कितना अच्छा अटेम्प्ट है, क्या नंबर ऑफ एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना था, इन सभी चीज़ों पर बात करते हैं। तो एसबीआई क्लर्क प्री में आपका अगर इंग्लिश सेक्शन देखा जाए तो ये सेक्शन काफ़ी अच्छा था, और अगर इसमें गुड अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो 25 to 27 भी आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट था। अगर आपने 23 भी अटेम्प्ट लिया है, 23 to 24, दैट्स आल्सो एनफ। हालांकि इंग्लिश सेक्शन बहुत इजी था और आपका एक वन सेट आपका कम्प्रीहेंशन पूछा गया था जिसमें आपका लगभग 9 क्वेश्चन के आसपास था और 2 क्वेश्चन आपका वोकैब से था, तो 2 क्वेश्चन जो वोकैब से था ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो 10 नंबर का जो 9 क्वेश्चन आपका था वो इजी में आता है, इजी टू मॉडरेट में, क्योंकि जो वोकैब था और जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन वो बहुत इजी था। फिर सिंगल फिलर आपका देखा गया था, लगभग 5 क्वेश्चन इसमें, और ये भी ईजी था, एरर डिटेक्शन से पास था। क्लोज टेस्ट आपका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है इंग्लिश सेक्शन में, ये आपका काफ़ी अच्छा था और इसमें इजीली आपका 6 नंबर स्कोर हो जाता, 5 to 6 क्वेश्चन इसमें भी था। फिर आपका सेंटेंस अरेंजमेंट में 5 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपका इजी था। तो ओवरऑल इंग्लिश में 20 प्लस आपका काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट होगा, अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन रखा और 20 प्लस आपका स्कोर होता है तो बी पॉजिटिव, आपका इंग्लिश सेक्शन काफ़ी अच्छा था। दूसरी बात अगर मैं देखूं कि रीजनिंग में, तो रीजनिंग सेक्शन जो आपका ये काफ़ी स्कोरिंग था और इजी टू मॉडरेट में ही कंसीडर्ड किया गया है, क्योंकि इसमें 4 सेट ऑफ पज़ल पूछा गया। एक पज़ल तो आपने देखा होगा कि स्क्वायर सीटिंग पे था, दूसरा पज़ल आपका फ्लोर बेस था, ये काफ़ी आसान था, और मंथ बेस पज़ल में आपका 4 मंथ 2 डेज और 8% के बेसिस पे था। आप अगर एक बार भी इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट लेते तो ये इजीली क्रैक किया जा सकता था, और एक लीनियर पज़ल था जिसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल और काफ़ी कोई इससे डरता भी है, लेकिन 1 से 2 अटेम्प्ट में ये इजीली बन रहा था। तो आपका ये जो 4 पज़ल था ये एक स्कोरिंग सेक्शन था आपका रीजनिंग के क्वेश्चन में। हालांकि इसमें जो आपका डायरेक्शन सेंस पे था ये काफ़ी अच्छा था और इजी था, इनइक्वालिटी आपका प्लस पॉइंट रहता है, मिसलेनियस से आपका 4 क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं न्यूमरिक सीरीज पे, जो कि आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखा गया था, ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन डिपेंड कर रहा था कि आपके पास टाइम बच रहा है या नहीं बच रहा है। हालांकि अगर आपने रीजनिंग में पज़ल बनाया है तो ईजिली वहाँ से वो 4 सेट ऑफ पज़ल से स्कोर हो जाएगा, तो रीजनिंग वॉज ऑल्सो ईजी टू मॉडरेट, नॉट इन द टफ कंडीशन, राइट। तो इजीली यहाँ से ही आपका स्कोर हो जाता। अब लास्ट देखा जाए तो क्वांट पे ये भी आपका इजी टू मॉडरेट में था, बहुत टफ नहीं था। कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट था तो आप यहाँ पर इजीली नंबर सीरीज को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता, आप 5 क्वेश्चन लगभग 1-2 मिनट से भी कम में आपका बन जाता, और आपने अगर बनाया है तो वो अच्छा पॉइंट है। सिंप्लीफिकेशन जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है प्री में, वो यहाँ पर देखने को मिला, और क्वांट सेक्शन में आपका सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर में आया हुआ था, जो आप एक अटेम्प्ट में लगभग 5 to 6 सेकेंड में आपका एक क्वेश्चन बन रहा था। तो कुछ अरिथमेटिक प्रॉब्लम भी देखा गया, वर्ड प्रॉब्लम जो आपका 9 लगभग 8 to 9 क्वेश्चन था, ये भी आपका बहुत टफ नहीं था, आसान था, इजी टू मॉडरेट में। अब आ जाते हैं DI की बात करते हैं, तो DI आपने देखा होगा इसमें इजी टू मॉडरेट में ही था, 6 मार्क्स का जो आपका DI था, ये DI में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन अगर आप एक एक्यूरेट डाटा लेकर बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये इजीली क्रैक हो सकता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी अगर आपने अटेम्प्ट लिया है और आपका अटेम्प्ट अगर प्लस 25 है तो बिल्कुल आपका सही है। मैं ओवरऑल अगर रीजनिंग की बात करता हूं तो आपका रीजनिंग में 28 to 30 अटेम्प्ट होना चाहिए था, और
क्वांट में आपका लगभग 25 प्लस अटेम्प्ट होना चाहिए। तो और इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में आपका 22 प्लस आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा था। मतलब ओवरऑल जो थर्ड शिफ्ट की मैं बात करता हूँ तो थर्ड शिफ्ट में आपका 70 प्लस हर कोई अटेम्प्ट लिया है, 75 to 80 के बीच में आपका सही अटेम्प्ट है। मतलब अगर आपने 75 मिनिमम अटेम्प्ट लिया है तो भी बहुत अच्छा है। तो थर्ड शिफ्ट देखा गया कि इजी टू मॉडरेट में ही रहा, और इसी तरीके से एसबीआई का एग्ज़ाम भी होगा, आने वाले शिफ्ट में भी आपको यही मिलेगा। एक चीज़ आपको ये देखना है कि अभी के शिफ्ट में जो आपको मिल रहा है वो ऐसा नहीं है कि कल के शिफ्ट में भी मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको बिल्कुल मिलेगा क्योंकि ये ज़रूरी भी है। और आज जो बच्चे अटेम्प्ट ले रहे हैं, कल जो अटेम्प्ट लेंगे डेफिनेटली उनको थोड़ा सा टफ लगेगा, और होता भी टफ है। तो नॉर्मलाइजेशन का यही इम्पैक्ट भी पड़ता है जो कि बैंकिंग के एग्ज़ाम में देखा जाता है। तो दिस ऑल अबाउट द थर्ड शिफ्ट ऑफ सेकेंड ऑफ फैब 2020, एंड सून आई विल कम विद द ओवरऑल एनालिसिस एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस टाइम एसबीआई क्लर्क प्री 2020, एंड बी प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज आपके पास जो भी टाइम बचता है वो टाइम के बाद, और मेंस और प्री के बीच में ज़्यादा का टाइम डिफरेंस नहीं रहेगा। तो प्रिपेयर होइए मेंस के लिए, गुड लक फॉर मेंस, एंड विल सून कम विद द ओवरऑल एनालिसिस एंड द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द एसबीआई क्लर्क, राइट? थैंक यू।